एक इनकलाबी मुहिम में यहाँ पर बैठी मेरी इज्जतदार पर्दानशी माँ बहने और यहाँ पर इस इनकलाबी मुहिम में आए मेरे नौजवान साथी, मेरे बड़े और तमाम जिम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके बीच में दिल्ली में ही रहने वाला हूँ और दिल्ली से ही आया हूँ। आपको ये बताने आया हूँ कि आज हमारी माँ बहने या हमारे भाई आज हिंदुस्तान की सड़कों पर बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं? क्योंकि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आखिर मुसलमानों को एतजाज करने की क्या जरूरत है, मुसलमानों का इसमें नुकसान क्या हो रहा है। हम लोग सीएए लेकर आए तो हम लोग तो तमाम अफगानिस्तान या पाकिस्तान बांग्लादेशी से जो हिंदू आए, सिख आए, ईसाई आए, हम उनको नागरिकता दे रहे हैं तो इसमें मुसलमानों का नुकसान क्या है? तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज मेरी माँ बहने यहाँ पर बैठी है कि आखिर ये एनआरसी और सीए का जिक्र हुआ कैसे? क्योंकि इस हुकूमत ने ये देख लिया था जब असम के अंदर एनआरसी लागू हुआ, हजारों करोड़ रुपए खर्च करे गए और उसके बाद जब एनआरसी में 19 लाख लोगों का नाम चपेटे में आया तो हुकूमत ये सोच रही थी कि शायद इसमें 16 लाख 17 लाख तो मुसलमान होंगे, लाख दो लाख हिंदू होंगे या सिख होंगे, ईसाई होंगे, उन्हें तो हम देख लेंगे, लेकिन इन 17 लाख मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। लेकिन जब हुकूमत के सामने रिपोर्ट आती है तो हुकूमत तिलमिला पड़ती है, घबरा पड़ती है कि रिपोर्ट तो कुछ और नजर आ रही है, इसमें 16 लाख 17 लाख मुसलमान तो नजर नहीं आ रहे बल्कि 15 लाख गैर बिरादरी वालों का नाम आया और 4.5 लाख मुसलमानों का नाम आया। तो हुकूमत तिलमिला गई और हुकूमत असम के अंदर बीजेपी के लोग अपनी कुर्सियां छोड़कर भागने लगे। अब उनको बेचैनी होने लगी कि आखिर अब इन 15 लाख लोगों को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो फिर गुजरात का एक कातिल जिसने गुजरात में कत्लेआम कराया, गुजरात को लुटवा दिया, माँ बहनों की अजमत तार तार करा दी, उस कातिल के दिमाग में एक जहन में एक सोच आई और फिर हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर भारी बहुमतों के साथ एक बिल लेकर आए और उसका बिल का नाम सीए भी रखा और उसमें कहा गया कि हम तमाम हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, पारसियों को हम नागरिकता देंगे लेकिन मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे। आखिर आज मुसलमान अगर यहाँ पर रोडों पर बैठा है तो मैं क्यों एहतजाज कर रहा हूँ या मेरी माँ बहने क्यों एहतजाज कर रही है सड़कों पर कि दिल्ली के अंदर ये सीएए से तो उन 14 लाख लोगों को वापस लिया आएंगे लेकिन उन 5 लाख लोगों का क्या होगा? वो 5 लाख लोग कहाँ पर जाएंगे? उनको खुद नहीं मालूम कि वो बांग्लादेशी है या अफगानिस्तानी है या पाकिस्तानी है। अरे ये वही मुसलमान है जिन्होंने मुल्क को आजाद कराया था, ये वही 5 लाख लोग हैं जिनके आबा अजदाद ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी थी। इन्हें उन 5 लाख लोगों की फिक्र नहीं है। लेकिन आज मैं अगर आपके बीच में आया हूँ तो आपके हौसले को सलाम करने आया हूँ, आपको पैगाम देने आया हूँ, आपके हिम्मत और हौसले को बढ़ाने आया हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊं तो आप भी एक सोच और फिक्र लेकर यहाँ पर बैठना और ये सोचना कि आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल आज आप लोगों के हाथ में है। ये हुकूमत, ये जालिम हुकूमत मिटा देना चाहती है मुसलमानों को, खत्म कर देना चाहती है हमारे ईमान और इस्लाम को। तो मैं आपको बताने आया हूँ कि मैं इस हिंदुस्तान का एक सच्चा मुसलमान बोल रहा हूँ, जुल्म सहसह के भी सच्ची जुबान बोल रहा हूँ। अरे हाँ, मैं वही मुसलमान हूँ जिसने जमाने को अमनो अमन का पैगाम दिया। हाँ, मैं वही मुसलमान हूँ जिसने जमाने को जुल्म से आजाद कराया। हाँ, मैं वही मुसलमान हूँ जिसने एक अजीम उम्मत का खिताब पाया। हाँ, मैं वही मुसलमान हूँ जिसने मुल्क की आजादी के लिए अपनी गर्दनों को सूली पर लटकाया। लेकिन आज इस हिंदुस्तान में वो मुसलमान जिसने जमाने को अमन अमन का पैगाम दिया, जिसने जमाने को जुल्म से आजाद कराया, जिसने मुल्क की आजादी के लिए गर्दनों को सूली पर लटकाया, आज उन मुसलमानों को इस हिंदुस्तान में रहने के लिए अपनी शहरियत साबित करनी पड़ेगी। आखिर हम लोगों की गलती क्या है? आखिर इन लोगों को सिर्फ मुसलमान ही क्यों नजर आते हैं?
हुकूमत बनती है 2014 के बाद, अगर कोई भी बिल लाया जाता है तो मुसलमान, कोई मुद्दा उठता है तो मुसलमान, ट्रिपल तलाक आया तो मुसलमान, बाबरी मस्जिद आए तो मुसलमान। अरे मुसलमानों के भी अपने हक और हुकूक है, मुसलमानों के भी अपने मसले और मसाइल है। हिंदुस्तान के मुसलमान दाढ़ी और टोपी और ट्रिपल तलाक के मारे नहीं है। अरे हमारे लोग भी रोजगार करते हैं। इस हिंदुस्तान की तरक्की में मुसलमानों का भी उतना ही हक है जितना आम शहरियों का है। फिर भी हमें दूसरे नजरिए से क्यों देखा जाता है? हमें दहशत का नजरिया बना दिया जाता है, हमें दहशत गर्द बता दिया जाता है। अरे तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि सुनो सुनो, टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम। दुनिया समझती है कि आजाद है हम, न जाने अपने ही मुल्क में क्यों दिखते हैं परदेसी। अरे मुद्दतों से तेरे शहर में आबाद है, और इस्तानी वतन में हम भी है बराबर के शरीक। अगर तुम दरो दीवार हो तो बुनियाद है हम, और इसी बुनियाद को ये लोग कमजोर कर देना चाहते हैं। इस बुनियाद को जानते हैं कि अगर ये बुनियाद कमजोर हो गई तो हिंदुस्तान कमजोर हो जाएगा, ये बुनियाद अगर टूट गई तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। आज ये लोग पूरे मुल्क में एक नफरतों का नजरिया बना रहे हैं। आज मेरा नाम नसीम सिद्दीकी है। अगर दिल्ली में मान लो सीए हमने मान लिया कि आप दूसरे लोगों को शहरियत देंगे, लेकिन इस सरकार की बातों को हम कैसे मान सकते हैं जो बिना पूछे बिना समझे ऐसा कानून बना देती है जो हिंदुस्तान को बांट दे। कल को दिल्ली के अंदर एनआरसी लिया है तो हम क्यों ना लड़े? एक तरफ एनआरसी में नसीम सिद्दीकी का नाम आएगा, केजरीवाल मुख्यमंत्री है, केजरीवाल का भी नाम एनआरसी में आ जाए, लेकिन केजरीवाल को तो हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाएगी। हमें नसीम सिद्दीकी को कहां मिलेगी? हमें तो डिटेंशन कैंप में डालने की तैयारी करेंगे। अरे लोग, अगर हम लोग अपने हक के लिए यहां पर बैठे, हम लोग अगर लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक की लड़ रहे हैं, हमें किसी मजहब से नहीं इख्तलाफात नहीं है, हम किसी मजहब के बारे में गलत नहीं सोचते, लेकिन न जाने मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है इन लोगों को। आज ये लोग जो मंसूबे लेकर चल रहे हैं, ये पहले एक मंसूबा लेकर आए थे जब एक नारा दिया था कि घर वापसी होगी, घर वापसी होगी। आज ये लोग हिंदुस्तान में जो एक सपना लेकर बैठे थे, ये गोलवारकर और सावरकर को मानने वाले, आज उनके चेहरे अमित शाह और मोदी उस सपने को पूरा करने का ख्वाब देख रहे हैं। आज उस सपने को ये पूरा करना चाहते हैं जो उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा था कि 2025 तक हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्रीय बना दिया जाएगा। लेकिन इन्हें हमारी तारीख नहीं मालूम मुसलमानों, मेरी माँ बहने यहाँ सुन रही है, इन्हें हमारी तारीख नहीं मालूम। मुसलमानों ने कोई जंग अपनी तादाद से नहीं जीती, मुसलमानों ने अगर कोई जंग जीती है तो अपने ईमान से जीती है, अपने इस्लाम से जीती है। और तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। जो आज से पहले तक नसीम था उसे भी खुदा होने पर पूरा यकीन था। वो अबू जहल भी एक ख्वाब लेकर आया था मक्का के अंदर कि 313 है जो ईमान को फैलाने निकले हैं, जो दीन को बचाने निकले हैं। वो अबू जहल भी वो ख्वाब देख रहा था और कह रहा था कि रस्सियां इकट्ठी कर लो, 313 है, बांध के मक्का के आगे खड़ा करेंगे और बताएंगे कि ये ईमान को बचाने निकले थे, ये दीन को बचाने निकले थे। जब लोगों ने कहा उन 313 को कि अबू जहल की इतनी बड़ी फौज है, कुफार का हजारों का लश्कर है, तुम 313 मर्द मुजाहिद क्या कर लोगे? उनके पास तलवार है, हथियार है, घोड़े हैं, तुम्हारे पास क्या है? वो 313 जिनके जिस्म पर चीथड़े थे, पेट अतलियों से लगी हुई थी, रोजा खजूर चूस कर खोलते थे, शेरी खजूर चूस कर रखते थे, लेकिन उन 313 मर्द मुजाहिदों के अंदर जज्बा था, वो ईमान को बचाना जानते थे। उन्हें मालूम था कि हमारा दीन इतना कमजोर नहीं है कि कोई आएगा और उसे खत्म कर देगा। और उन्होंने कहा कि न तीर पर, न तलवार पर, न भाले पर हमें भरोसा है, इस काली कमली वाले पर। और जब वो 313 हजारों की लश्करों से टकराए तो चश्मे पलट ने भी देखा, दुनिया का पूरी कायनात को बदल के रख दिया, तुम हमारी तारीफ मिटाओगे? अरे ईमान और इस्लाम इतनी जल्दी नहीं मिटने वाला। इसी ईमान और इस्लाम को मिटाने के लिए यजीद ने इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया, इसी ईमान और इस्लाम को मिटाने के लिए अली अकबर की जवानी छीन ली गई, इसी ईमान और इस्लाम को मिटाने के लिए अली असगर का बचपना छीन लिया गया, इसी ईमान और इस्लाम को मिटाने के लिए अली अब्बास के बाजू काट दिए गए, इसी ईमान
इस्लाम को मिटाने के लिए, बीवी सकीना को मारा गया इसी ईमान और इस्लाम को मिटाने के लिए, इमाम हसन के जिगर के टुकड़े कर कर के करबला के मैदान में बिछा दिए गए इसी ईमान और इस्लाम को मिटाने के लिए, 72 लाशें बिन कफन में करबला के मैदान में बिछा दी गई इसी ईमान और इस्लाम को मिटाने के लिए, बीवी जनब का खेमा लूट लिया गया इसी ईमान और इस्लाम को मिटाने के लिए, जिन सरों को आसमान के चांद सितारों ने नहीं देखा था उन्हें बेपर्दा करके सरे बाजार घुमाया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी तारीख उठा कर देख लो, इमाम हुसैन शहीद हो गए, 72 लाशें करबला के मैदान में बिछ गए, लेकिन यजीद का आज नामो निशान नहीं है और इस्लाम आज भी जिंदा है और इस्लाम उस वक्त भी जिंदा था। ये लोग एक सपना लेकर चल रहे थे, एक ख्वाब लेकर चल रहे थे, एक मंसूबों को लेकर चल रहे थे। लेकिन मैं सलाम करता हूं मेरी माँ बहनों को जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान में एक इंकलाब लेकर आए और हुकूमत की आंखों में आके डाल कर बताया कि जो तुम हमें ट्रिपल तलाक की मारी समझ रहे थे, जो तुम हमें कमजोर समझ रहे थे, मुसलमान की औरतें कमजोर नहीं है, वो अपने दीन को बचाना जानती है, वो अपने बच्चों के लिए लड़ना जानती है, अपने हक के लिए लड़ सकती है, और आपने सड़कों पर बैठ कर हुकूमत की आंखों में आग डालकर सवाल किया और आपको कामयाबी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने टीम बनाई और कहा कि शाहीन बाग में जाकर आप लोग उनसे विचार करो, जो काम हुकूमत को करना चाहिए था आज वो काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है, क्योंकि सबको मालूम है कि यहाँ हिंदुस्तान में क्या मंसूबे चल रहे हैं, आखिर मुसलमान कौन सी लड़ाई लड़ रहा है। अरे 1947 में मुल्क तो आजाद हो गया, एक मुल्क के दो टुकड़े भी हो गए, एक मुल्क जिसे पाकिस्तान कहा गया, जिसमें कहा गया कि वो मुसलमानों का मुल्क है, और एक मुल्क हिंदुस्तान जिसमें कहा गया कि यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब धर्म के लोग इस हिंदुस्तान में रह सकते हैं। जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत थी, जिन्होंने जिन्ना के पैगाम को अपनाया वो हिंदुस्तान चले गए, और जिन्होंने जिन्ना के पैगाम को ठुकरा कर जिन्ना को कौम का गद्दार बताया और मुल्क की खूबसूरती के लिए, मुल्क के भाईचारे के लिए हिंदू मुस्लिम सेकुलरिज्म का सारा लेकर हमारे आबाओ अजदाद जो हिंदुस्तान में रुके कि तमाम लोग यहाँ पर रहकर तरक्की करेंगे, और आज उस मुल्क की आजादी के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने इतनी कुर्बानियां दी, आज इन कुर्बानियों को ये लोग भूल रहे हैं। कोई सभा होती है तो खुलेआम मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाता है, इनका मंत्री आकर दिल्ली की सरजमीं पर खड़ा होकर ताली बजा बजा कर कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अरे कौन गद्दार है? हम गद्दार जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए, हिंदुस्तान की सच्ची तारीख बताती है कि दिल्ली के लाल किले से लेकर पेशावर तक कोई ऐसा पेड़ न था जहाँ पर दाढ़ी और टोपी वाला लड़का न था। हम गद्दार, अरे गद्दारों जिन्होंने तुमने अंग्रेजों को माफीनामा भेजा, अंग्रेजों की गुलामी करी, अंग्रेजों के तलवे चाटे, अंग्रेजों के जूतों को पॉलिश करा, आज वो लोग हमारी शहादत मांग रहे हैं, आज वो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। मुल्क का प्रधानमंत्री कहता है भरी सभा में जाकर कि दिल्ली की सड़कों पर इनके लिबास से इनकी पहचान करो। किसको कह रहे हो लिबास से पहचान करने की? नरेंद्र मोदी साहब, ये वही दाढ़ी वाले हैं, ये वही टोपी वाले हैं, ये वही कुर्ते और पजामे वाले हैं जब मुल्क हमारा गुलाम था गोरे अंग्रेजों को हाथों, तो इन्हीं दाढ़ी वालों ने, इन्हीं टोपी वालों ने फतवा दिया था और कहा था मुसलमानों जिस तरीके से तुम्हारे लिए नमाज फर्ज है, जिस तरीके से तुम्हारे लिए रोजा फर्ज है, जिस तरीके से तुम्हारे लिए जकात फर्ज है, इसी तरीके से इन अंग्रेजों को भगाना भी फर्ज है, इन अंग्रेजों को मारना भी फर्ज है। आज तुम उनके लिबास को इनकी पहचान कर रहे हो। अरे हम लोग तो हमेशा अपनी मोहब्बत का सबूत देते आए, ये हर चीज लेकर आए, और हमने चुपचाप ये सोचा कि हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हिंदुस्तान का एक सपना है, मुसलमानों जो हमारे आबाओ अजदाद सपना लेकर आए थे कि मुल्क आजाद हो गया है, शायद हमारी नस्लें तरक्की करेंगी। लेकिन आज मेरे कौम का मुस्तकबिल कहाँ है? क्योंकि इन लोगों ने हमें हमेशा कमजोर किया। आज अगर हमारा मुस्तकबिल कहीं पर है तो साइकिल की दुकानों में कहीं पर पंचर लगाते हुए नजर आता है, कहीं रोडों पर अखबार बेचते हुए नजर आता है, तो कहीं पर सड़कों पर गाड़ियों के औजार लिए हुए नजर आता है। क्या हमारे आबाओ अजदाद ने जो सपना देखा था कि मुल्क आजाद होगा तो हमारी नस्लें तरक्की करेंगी, क्या हमारे आबाओ अजदाद ने यह सपना नहीं देखा था कि मुल्क की 72 साल की आजादी के बाद
देना पड़ेगा इस हिंदुस्तान में रहने के लिए। और आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पर और सबको मालूम है कि हमें हमेशा कमजोर किया गया है। हमारे पास कागज नहीं दिखाने के लिए, हम कहां से दिखाएंगे इनको कागज। और ये बात इनको मालूम है कि इनके पास कागज नहीं है दिखाने के लिए। इन लोगों को तो डिटेंशन कैंप में छूट दिया जाएगा, लेकिन जिनके इनके चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इनके पास कागज भी नहीं होगा तो हम उसको नागरिकता दे देंगे CAA के जरिए। तो ये मंसूबा लेकर चल रहे हैं, लेकिन इन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि सुनो, मुसलमानों को कमजोर समझने वालों और इस मुल्क को अपने बाप की जागीर समझने वालों, सुनो अमित शाह, सुनो नरेंद्र मोदी, सुनो मोहन भागवत, सुनो आरएसएस बजरंगदल, अगर मुसलमानों को गुलामी पसंद होती तो फलस्तीन का बच्चा बच्चा तलवीब और यहूद के टुकड़ों पर पलता, बैतुल मक़द्दस की मुकद्दस बेटी हाइफा के बाजारों में बिकती। लेकिन नहीं, फलस्तीन का बच्चा बच्चा, बेटी बेटी इसराइली तोपों के आगे खड़े होकर ये नारे लगाते हैं, हक है हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप ही देगा आजादी और हम तुमसे आजादी लेंगे। याद कह रहे हैं कौन सी आजादी के नारे मार रहे हैं, मुल्क तो आजाद हो गया। अरे मुल्क तो आजाद हो गया, लेकिन हमें कहा तुमने आजाद समझा। तुम तो हमें गुलामी की जंजीरों में छकर देना चाहते हो। और जिस आजादी के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी गई, मुल्क ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। भगत सिंह ने भी लड़ाई लड़ी है, तो अशफाकुल्ला खान ने भी लड़ाई लड़ी है, मौलाना आजाद ने लड़ाई लड़ी है, तो गांधी जी ने भी लड़ाई लड़ी है, ये तमाम सपनों को लेकर, क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरती हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है। आज एक जालिम सत्ता की कुर्सी पर इतना मगरूर हो चुका है, वो कहता है कि एक इंच भी पीछे ना हट पाएंगे। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि सुनो अमित शाह सर, तुम एक इंच पीछे हटने की बात कर रहे हो, अरे मैं कह रहा हूँ कि इसी रोड़े पर दफन हो जाएंगे। तुम तो एक इंच की बात करते हो, हम आधा इंच भी पीछे ना हट पाएंगे। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने हक के लिए बोलेंगे और उन लोगों को बताएंगे कि जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि हम बाहर निकल जाएंगे, अरे जब 313 नहीं दे रहे, वो 72,000 के सामने नहीं दे रहे, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी आबादी में रहते हैं। मधुमक्खी का एक छत्ता है, अगर तुम छत्ते पे ईंट मारोगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक घुनघुना बना के काटेंगे, भागते भागते भूल जाओगे। लेकिन मुसलमानों को इस मुल्क से बाहर नहीं कर सकते तुम लोग। आज की लड़ाई को, इस लड़ाई को आप लोगों ने जो हौसला दिया है, इस लड़ाई में जो आप लोगों की भागीदारी है, आज शाहीन बाग में जो मेरी माँ बहने और आप यहाँ पर बैठे हैं, कड़ाके की ठंड बीत चुकी है, उस माइनस डिग्री में मेरी माँ बहनों ने सड़कों पर बैठकर ये बताया कि इस मुल्क के अंदर कि अब तो दूध पीता बच्चा भी अपनी माँ की गोदों में बैठकर रोड पर आजादी मांगना सीख रहा है, और जब वो अपने पैरों पर खड़ा होगा तो तुम उसकी आजादी कैसे छीन पाओगे, तुम उसकी आजादी कैसे छीन पाओगे। आज सिर्फ हिंदू मुसलमान, अरे किस बात की नफरत है मुसलमानों से। दिल्ली का इलेक्शन चल रहा था, नफरतों का माहौल भर दिया गया। मैं जिस इलाके में रहता हूं उस इलाके के अंदर हमारी आबादी कम है। जब लोग वोट डालने निकल रहे थे, मेरी माँ बहनें रोजा रखकर बैठी थी कि अल्लाह पर फिरका पर इसको मत जिता दियो। और मेरे किनारी के अंदर एक ऐसा नुमाइंदा बीजेपी ने उतारा जिसका सपना यह था कि मुसलमानों को दबा दिया जाएगा। वोटिंग वाले दिन एक ही नारा दिया कि घर से निकलना और जय श्री राम, जय श्री राम। अरे किस बात का नारा लगा रहे हो, हमें राम से नफरत नहीं है, आपके भगवान है, हम कदर करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम अपनी इबादत करते हैं, तुम अपनी पूजा करते हो। तो मैंने उन लोगों से कहा कि तुम वोट मांगने आए हो या राम के नाम पर भीख मांग रहे हो। अगर राम को ही जिताना है तो तुम घर बैठो, श्री राम आएंगे और बटन दबा देंगे ईवीएम का और तुम बैठ कर सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाना। और ये लोग, और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं, मैं किसी मजहब के बारे में गलत बोलूं तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अगर श्री राम को इज्जत करने वालों, अगर तुम राम को मानते हो तो मैं कहता हूँ राम ने कभी अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया, राम ने हमेशा सत्य के लिए लड़े हैं, राम की सत्य से जीत हुई थी। अगर राम ने तुम्हें मारना सिखाया है, राम के नाम पर खून बहाने वालों, सड़कों पर उतरने वालों, राम के नाम पर मारने वालों, अगर तुम्हें राम ने मारना सिखाया है तो मैं कहता हूँ कि राम से अच्छा तो रावण था जिसने सीता को हर कर दी, उसका कुछ बिगाड़ा नहीं। तुम लोग कौन सी नफरत फैलाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, कौन से मंसूबों को लेना चाहते हैं, कि मुल्क के अंदर ऐसी ऐसी बातें
ऐसे ऐसे मंसूबे लेकर ये लोग चल रहे हैं। मेरे को आज मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हौसले के साथ जाता हूँ, हिंदुस्तान के अगर कहीं में, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, मैं जहां जहां अभी होकर आया, तो तमाम उन देश के लोगों ने कहा मेरे से कि नसीम भाई जब भी आप दिल्ली में जाए तो दिल्ली की उन माँ बहनों को हमारा सलाम कहिएगा कि जो वो इंकलाब लेकर आए हैं, आज पूरा हिंदुस्तान उस इंकलाब को लेकर चल रहा है और हुकूमत को जवाब दे रहा है। आप लोगों के जज्बों को सलाम है, आपकी हिम्मत को सलाम है, आपकी हिम्मत को सलाम है। और मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं आपको अपनी एक कौम की कहानी सुनाता हूं कि मेरा वो कौम जो कभी सोता नहीं था, कि समझो शहर में कभी अंधेरा होता नहीं था, खुशियों की हंसी कभी सोने देती नहीं थी, कि शायद कभी रात होती नहीं थी, चारों तरफ खुशहाली थी, लोगों में भाईचारे था, लेकिन शायद दुश्मनों को यह नहीं गवारा था, इसलिए हमारे लिए एक साजिश रची गई और होने लगी लाशों की बारिश। उगरता रहा कौन का मुस्तकबिल, मौत घर घर में जाकर नाची, मौत घर घर में जाकर नाची, चारों तरफ खूब अंधेरा, सोचा बचेंगे तो कल फिर देखेंगे सवेरा। और इस हिंदुस्तान में दहशत का ऐसा आलम छाया, इस हिंदुस्तान में दहशत का ऐसा आलम छाया, मरने वाला दहशतगर्द कहलाया और मारने वाला देशभक्त कहलाया। अम्मा अपने बच्चों को छुपाने लगी है, उसे सीने से लगाने लगी है, उसे चूमती रहती है और नजीब के किस्से उसे बताने लगी है। बेटा अपने बाप से कहता है कि अब्बा अब घर में गोश्त मत लाना, अब्बा अब घर में गोश्त मत लाना, कहीं तुम्हें भी ना मार दे अखलाक की तरह ये जमाना। बेटी अपने बाप से कहती है कि अब्बा घर से दूर मत जाना, अब्बा घर से दूर मत जाना, कहीं तुम्हें भी अफजल खान की तरह जलाना दे ये जमाना। और बहन अपने भाई से कहती है कि भाई देखो ना, अब तो डर लगता है, मुजफ्फरनगर गुजरात के फसादों को देखकर जालिम की निगाहें हम पर टिकी है, अब कोई फसाद हुआ तो लूट लूट कर नोचेगा हमें ये जमाना, लूट लूट कर नोचेगा ये जमाना। मुल्क के अंदर चारों तरफ आज ये हमें कह रहे कि हम गद्दार है, अरे इस मुल्क के लिए हमने कहां पर गद्दारी करी, अरे गुजरात में काटा गया हम खामोश रहे, मुजफ्फरनगर में जलाया गया हम खामोश रहे, हमारी माँ बहनों की अजमत लूटी गई हम खामोश रहे, मलियाना से लेकर मेरठ तक मारा, हैदराबाद से लेकर मुंबई तक मारा, हम खामोश रहे। अगर हम देश के गद्दार होते तो सुनो आरएसएस वाले, भाई माई का जना नहीं था तो मुसलमानों का गिरवाना कभी खेल सकता था। आज ये लोग हमें गद्दार कह रहे हैं, हमने तो हमेशा, और आज आपको बता रहा हूं, मैं इसी ग्राउंड के अंदर आया था, पाक पूजे शरीयत का प्रोग्राम था और मैं बताकर गया था, आपको ये शरीयत को हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सरकार उसमें कामयाब रही। और जो हुकूमत मेरी माँ बहनों को हक दिलाने की बात कर रही थी, जो हुकूमत ये कह रही थी कि मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजाद कराया जाएगा, जिस मोदी को मेरी माँ बहनों की फिक्र हो रही थी, जिस अमित शाह को मेरी माँ बहनों की फिक्र हो रही थी, ये वही गुजरात के कातिल है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो 2002 वो नर्मदा पाटिया, मासूम बच्चियां ये सोचकर उठी थी कि अब्बा घर से जाएंगे तो शाम को घर जल्दी आएंगे, कुछ नई नई चीज लाएंगे, वो अब्बा घरों से तो निकलते हैं लेकिन इन्हीं जालिमों की एक नफरत भरी भीड़ इकट्ठी होती है और उन अब्बा की लाश रोड पर बिखर जाती है, वो 4 साल की, वो 5 साल की, वो 10 साल की मासूम बच्चियां इंतजार कर रही है कि अब्बा घर आएंगे, डोरबेल बजता है, दरवाजा खुलता है, अब्बा तो नजर नहीं आते, ये जालिम दरिंदे 4 साल 5 साल की बच्चियां क्या होती है जिन्हें हम अपने गोदों में खिलाते हैं, 10 साल 15 साल की बच्चियों को ये घरों से निकालते हैं, उनके साथ दरिंदगी का तमाशा करते हैं, उन्हें नोचते हैं, उन्हें खसोड़ते हैं, बच्चियां चिल्ला रही होती है अब्बा बचा लो, अम्मा बचा लो, लेकिन उनकी चीखो पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। इन जालिमों से पूछो, यहां तक इनका दरिंदगी का तमाशा खत्म नहीं होता है। एक औरत 7 बजे डिलीवरी करने वाली है, 7 बजे उस औरत के साथ रेप कर दिया जाता है, जालिमों का दल जब भी नहीं मरता उसके पेट में तलवार डालते हैं, जिंदा बच्चे को निकालते हैं और तलवार के सर पर टुकड़े कर देते हैं। और ये जालिम जो आज कह रहे हैं कि हमें हक दिलाएंगे, अरे जिन्होंने अपने दामन पे हमारी माँ बहनों के छींटे इज्जत के लगवा रखे हैं, उन्हें जिंदा जला दिया गया, उन्हें जिंदा मार दिया गया, और आज ये लोग दिल्ली की सरकार में बैठकर, दिल्ली की ताकत पर बैठकर कह रहे हैं कि हमें हक दिलाएंगे। अरे उन मासूम बच्चों को आज तक हक नहीं मिला, वो बच्चे जिंदा जला दी गई गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर दरिंदगी का ऐसा तमाशा हुआ, सोच के रूह कांप जाती है। हम तो फिर भी
जुल्म सहते रहे, मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ तो किसकी बस्तियां जली? हमारी जली। घर से बेघर कौन हुआ? हम हुए। हमारी माँ बहनों की अजमत लूटी गई, बच्चों को मारा गया, हमारे लोगों को ही जेलों में भरा गया। सिर्फ हम ही हम क्यों नजर आते हैं? आज हम लोग इतिहाद के साथ बैठे क्योंकि इनके मंसूबे, इनको दिख रहा था कि मुसलमान फिरकों में बटा हुआ है, मुसलमान बिरादरी को लेकर लड़ रहा है, मुसलमान जात और पात को लेकर लड़ रहा है, मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि मोदी और अमित शाह, तुमने वो काम कर दिया कि आज मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा कर दिया। आज बिरादरी की लड़ाई नहीं है, आज जात पात की लड़ाई नहीं है, आज अपने दीन और ईमान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है मुसलमान, और तुम्हें लड़ना होगा। एतराज तो बहुत होते, आपको मालूम है, ये लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का दस्तूर हमें इजाजत देता है कि हम लोग एहतजाज करें, और मुल्क के अंदर न जाने कितने एहतजाज हुए। आपको मालूम है हरियाणा के अंदर जाटों ने आरक्षण के लिए एहतजाज करा, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, पूरे हरियाणा को जला कर रख दिया, लेकिन पुलिस खामोश तमाशा देखती रही। राजस्थान के अंदर गुज्जरों ने पूरे राजस्थान को बर्बाद कर दिया, लेकिन पुलिस खामोश होकर तमाशा देखती रही। गुजरात में पटेलों ने एहतजाज किया, पुलिस खामोश होकर तमाशा देखती रही, और उन्होंने तो हिंदुस्तान को चलाया। और जो मुसलमान अपने हाथों में हुकूक के लिए दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरा, हाथों में तिरंगा झंडा लेकर, सर पर टोपी लेकर, और ये नारा लगा रहा था कि हमें इंसाफ दो, ना ही हमने कोई बस जलाई, ना हमने कोई घर जलाया, ना ही हमने उत्तर प्रदेश बर्बाद किया, ना ही हमने दिल्ली बर्बाद की। लेकिन जाटों पर इनकी गोलियां नहीं चली, पटेलों पर इनकी गोलियां नहीं चली, गुजरों पर इनकी गोलियां नहीं चली। इनकी गोलियां चली तो मुसलमानों के ऊपर चली, और 30 लोगों पर इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। जरा सोचिए, आप लोग बैठे हैं, आपकी भी औलादे हैं, आपका भी भाई है, आपका भी कोई बेटा है, जब उनको गोलियों से रोड़े पर उनकी लाशें बिछा दी, और जो माँ अपने बच्चे को अपने हिस्से का खाना खिलाती है और खुद सबर से सो जाती है, जो माँ अपने बच्चे के लिए उसको पीट कर भी उसके हिस्से का आंसू अपनी आंखों से बहाती है, जब माँ के कानों में आकर ये कहता होगा कि तेरा बच्चा रोड पर दर्द से बिलख रहा था, तेरे बच्चे के दर्द पर चेहरे पर दर्द झलक रहा था, तो उस माँ का दूध कतरा कतरा बनकर लहू टपकता होगा। इन लोगों को हमारी कोई फिक्र नहीं, ये लोग सिर्फ, इनकी गोलियां चली, और ये पहले भी हुआ है। आज ये लोग जो इतने मजबूत हुए, हुकूमत से कहना चाहता हूं कि हुकूमत उस वक्त तमाशा उस वक्त भी देख रही थी जब ये जालिम हिंदुस्तान को बांटने के लिए, जब 1992 में निकले थे बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए, पुलिस की गोलियां खामोश बैठी थी, इन्होंने बाबरी मस्जिद की खामोश गुंबदों पे नंगा नाच किया, बाबरी मस्जिद की मुसल्लों को उन्होंने फाड़ा, बाबरी मस्जिद की ईंटों को तोड़ा, पुलिस की गोलियां खामोश थी, इन्होंने उनको नहीं मारा। लेकिन जब उसी बाबरी मस्जिद के लिए यही मुसलमान रोड़े पर काली पट्टी बांध कर ये निकले थे कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को इंसाफ दो, तो उन्होंने उस वक्त बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को उस वक्त भी इन्होंने गोलियां नहीं चलाई, और जो मुसलमान एहतजाज करने निकले तो पुलिस की गोलियां तैयार हो गई थी हमारे सरों छातियों पर चलने के लिए, और चलाया गया मुंबई की सड़कों पर, चलाया गया हमारी माँ बहनों को सड़कों पर नंगा दौड़ाया गया। ये जालिम हुकूमत, ये जो भी हुकूमत आती है, मैं किसी हुकूमत का तरफदार नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की ना ही मुखालफत करता ना ही अच्छाई करता, लेकिन 72 साल की आजादी में सिर्फ मुसलमानों के साथ ना इंसाफी क्यों हो रही है? आखिर हामी हम क्यों नजर आते हैं? आखिर हर जगह मुद्दे उठते हैं तो मुसलमान किस लिए, किस बात के लिए? मैं तो कहता हूं कि सुनो, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। और सुनो मुसलमानों, और सुनो मेरी माँ बहनों, अगर बढ़ते हुए जुल्म को मिटते देखना है, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, अगर बढ़ते हुए जुल्म को मिटते देखना है तो देखो, ताइफ का मैदान है, तबलीगी सफर है, बच्चों के हाथों में कंकर है, नबी आखरू जमा के नालेन मुबारक लहू से तर है। लेकिन जब उसी मक्के की सरजमी पर जुल्म का खात्मा होता है तो अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब इस्लाम का बोलबाला करते हैं, अगर बढ़ते हुए जुल्म को मिटते देखना है तो देखो, तपती हुई रेत है, जुल्मों का पहाड़ है, कोड़ों की बौछार है,
लेकिन जुबा पर एक ही सदा अहद अहद। जुल्म में इजाफा किया जाता है, भारी भरकम पत्थर सीने पर रख दिया जाता है, लेकिन जुबा पर एक ही सदा अहद अहद। जब वहीं पर जुल्म का दौर खत्म होता है तो उसी बिलाल हब्शी को इस्लाम का पहला मुअज्जिन बनने का शर्फ हासिल होता है। अगर बढ़ते हुए जुल्म को मिटते देखना है तो फिरौन की दरबार में मूसा की ललकार को देखो, अगर बढ़ते हुए जुल्म को मिटते देखना है तो नमरूद के दरबार में इब्राहिम की तकरार को देखो, अगर बढ़ते हुए जुल्म को मिटते देखना है तो तलवार के सायों में हुसैन के इनकार को देखो, क्योंकि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और जब तक ये जुल्म बढ़ेगा हम लोग मिटाने के लिए सड़कों पर बैठेंगे, हम एतजाज करेंगे, हम हिंदुस्तान के संविधान के लिए लड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि तमाम लोग गलत हैं, आज मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ, आज मैं उन लोगों को सलाम कर रहा हूँ जो मेरे हिंदू भाई सिख भाई आज भी हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म जिंदा है, लेकिन वो चंद मुट्ठी भर लोग जो इस हिंदुस्तान को बर्बाद कर देना चाहते हैं, वो सावरकर कर और गोवालकर की सोच रखने वाले ये लोग जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा जिंदा है। मैंने शाहीनबाग में भी देखा कि वो हिंदू बहने हो, चाहे वो सिख बहने हो, चाहे मेरे सिख भाई हो, हर लोग हमारे कंधे के साथ कंधा लगाकर खड़े हैं सड़कों पर और हमारी लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर मुल्क बर्बाद हुआ, अगर घर हमारा जलेगा तो घर तुम्हारा भी जलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अगर रह रहे हैं हमारे पास, और साफ सीधी बात तो खुलकर बोलो, कोई आए कागज तो नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे आप लोग जरा जोर से बोलिए, कागज दिखाएंगे, कागज तो नहीं दिखाएंगे, कोई भी आ जाओ और कैसे भी आ जाओ, क्योंकि सुनो सुनो तुम्हारे पापा को सरे बाजार फोड़ जाएंगे, मिस्ल इब्राहिम जुल्मत की पुतों को तोड़ जाएंगे, और लश्कर 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 करेगा हमारी तलेरी की तस्वीरें, हम मरकर भी अपने जीने की खबर छोड़ जाएंगे। मुसलमान डरने और घबराने वाला नहीं है, मैं भी आपके बीच में आया हूँ, लाइव चल रहा होगा, बहुत सारे भगत सुन रहे होंगे, तिल मिला रहे होंगे, फड़फड़ा रहे होंगे, क्या बोला क्या बोला, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, शेर का बच्चा हूँ, डरने और घबराने वाला नहीं, अल्लाह ने अल्लाह हमारा निगेवान है, और मुसलमान अगर सिर्फ किसी से डरेगा तो उस पाक परवरदिगार से डरेगा, और किसी की गुलामी करेगा तो अपने रसूल और नबी की करेगा, और किसी से नहीं करने वाला और किसी की गुलामी नहीं करने वाला। मैं पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज ठोक कर आता हूँ, जाता हूँ, मिलेंगे मिलेंगे, क्या करेंगे क्या करेंगे, अरे अल्लाह ने इज्जत दी है और अल्लाह मौत देने वाला है, और जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तुम्हारी गोलियां भी लगेगी सीने पर तो काम नहीं करने वाली। जिसम तंगी कर डालो, लाठियों से हड्डी हड्डी चूर कर डालो, लेकिन मुल्क के वफादार थे हैं और रहेंगे, जुमा पर एक ही सदा रहेगी कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम तुम्हारी जुबान को अपनी आवाज में नहीं मिलाने वाले, तुम्हारी सोच को अपनी सोच नहीं बनाने वाले। अल्लाह ने हमें दो आंख दिए हैं, दो पैर दिए हैं, एक जिस्म दिया है, एक सोच दी है, एक फिकर दिया है, एक जज्बा दिया है, और जालिमों से लड़ेंगे, जालिमों का सामना करेंगे, जालिमों से घबराएंगे नहीं, क्योंकि नवासा रसूल ने हमें करबला के मैदान में अपनी सुन्नत का वो नमूना पेश किया है और बताया है उम्मत मुस्लिमा को कि सुनो मुसलमानों, जब्र से घबराना नहीं, जुल्म के आगे घबराना नहीं। इमाम हुसैन ने कहा 22,000 यजीदियों के सामने अकेला तन्हा खड़े हो जाना कोई मजाक नहीं था, कोई तमाशा नहीं था, 72 लाशों के जख्म सीने पर थे, भाई बेटे भांजे की लाश उठा चुके थे, 72 लाशें बिन कफन के लाइनों में पड़ी थी, लेकिन जब वो नबी का नवासा तलवार को लहराता हुआ निकला, जुल्फिकार को लहराता हुआ निकला, तो चारों तरफ से आवाज आ रही थी, अरे कौन सा सवार है, ये कौन जीवदार है, लिबास से फटा हुआ, लक लक कटा हुआ, जिसमें छिदा छिदा फटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, ये नूरे नबी का ऐन है, ये फिर यकी हुसैन है, ये फिर यकी हुसैन है। अब इमाम हुसैन ने अपनी सुन्नत का नमूना पेश किया, जब यजीदियों ने
सजदे में उनके सर को तन से जुदा कर दिया तो उन्होंने कहा कि मैं यही पैगाम मैदान कर्बला में देने आया था। यह सर कट तो सकता है लेकिन किसी जालिम के आगे झुक नहीं सकता। यह सर झुकेगा तो उस पाक परवरदिगार के आगे झुकेगा। अरे हम दीन वाले, हम अपने दीन और इस्लाम का सौदा नहीं करने वाले। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लुट जाएंगे, लेकिन घबराने वाले नहीं। और आप लोगों को सलाम कर रहा हूं, आपकी हिम्मत को सलाम कर रहा हूं, आपकी हिम्मत को चढ़ाने आया हूं। एक हौसले के साथ, एक बुलंदी आवाज में नारा लगाना मेरे साथ कि हम क्या चाहते हो, हम क्या चाहते हो, मांगने आए हैं। हम मुल्क को बांट नहीं रहे, हम फिरका परस्तों से आजादी मांग रहे हैं। हम अपने लिए आजादी मांग रहे हैं, अपने नस्लों के मुस्तकबिल के लिए आजादी मांग रहे हैं। तो इन्हीं बातों से मैं आप लोगों को दिल से सलाम कर रहा हूं। आप लोग डटे रहिए, आपके हौसलों को सलाम है। और ज्यादा तादाद में आइए, बैठिए, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल की लड़ाई है, आने वाले नस्लों की मुस्तकबिल की लड़ाई है। और मेरी माँ भी यहाँ पर बैठी है, मेरी अम्मी बैठी है, मेरी शादी आपके इलाके में हुई थी तो मेरी अम्मी भी बैठी है। मैं तमाम सब लोगों से कह रहा हूँ कि अपने जाते जाते इन अल्फाजों से अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि मेरे ख्वाबों को लूटा है किसी ने, मैं सबकी खामोशी पर मुस्तैद हूँ। मेरे लहजे में सच का बातपन है, मैं अपनी कौम की जिंदा नस्ल हूँ, जिंदा नस्ल हूँ।